अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मेरा नाम है तल्हा सिद्दीकी, आप सबको वेलकम करता हूँ सर्टल टेक के ऊपर। आज की इस वीडियो में भाई बहुत ही ज्यादा एक खास अच्छी खासी एक वीडियो तुम सबके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं बताने जाऊंगा YouTube चैनल कैसे बनाते हैं शुरू से। मतलब हम सबसे पहले एक नई जीमेल बनाएंगे, उसका टू फैक्टर करेंगे, सारा मोबाइल पे करने वाला हूँ, कोई चीज लैपटॉप पे नहीं होगी, कोई चीज कंप्यूटर पे नहीं होगी, कोई भी चीज विंडोज के नाम पर नहीं होने वाली। तो आज की वीडियो भाई ए टू जेड चैनल, पहले जीमेल बनाऊंगा, चैनल के टैग्स लगाऊंगा, ये कोई भी नहीं रखता, ठीक है। सब आपको बताएंगे जी, एजुकेशन कैटेगरी का चैनल है तो आप टैग्स जो हैं ये वाले लगा दें, ये वाली एप्लीकेशन यूज कर लें, वो वाली नहीं, जो मैं अपने लिए करूंगा वही मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जीमेल, नया चैनल, नए टैग्स और पहली वीडियो इंशाल्लाह ताला अपलोड भी करेंगे। चीज है ना यूट्यूब एसईओ के हवाले से, तो एक कंप्लीट गाइड होने वाली है, पूरी वीडियो में आप लोगों को बता देने वाला हूँ यूट्यूब चैनल एक मोबाइल से जीरो से कैसे बनाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। सबसे पहले भाई हम चले जाते हैं अपने गूगल क्रोम के ऊपर, ठीक है। गूगल क्रोम के ऊपर जाने के बाद ना आपने जाना है गूगल के ऊपर चले जाओ। अब गूगल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे एड अनदर अकाउंट पे जाता हूँ और यहां से अब हम क्रिएट करते हैं न्यू अकाउंट, मैनेज अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले भाई मैं अपनी पेंशन भी डाल लूं, अच्छा ये ईमेल मांग रहा है, क्रिएट अकाउंट करता हूं मैं यहां से जाके फॉर माय पर्सनल यूज। इसके बाद अच्छा अब मुझे देखना है YouTube चैनल का नाम क्या रखा जाए, तो मुझे एक अच्छा लगा था YouTube चैनल का नाम, एक अच्छा सा मुझे नज़र आया था, वो था एक मिनट जाता हूँ यहाँ पे, एक अच्छा लगा मेमन ट्वीट्स के नाम से, तो मेमन ट्वीट को मैं पहले सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ से देखो ऊपर आ रहे हैं सर्च फिल्टर से अब हम चले जाते हैं सॉर्ट बाय टाइप पे जाते हैं, टाइप पे चैनल अप्लाई करते हैं। इससे हमारे पास वो तमाम चैनल आ जाएंगे जो इस नाम से हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अहमद मेमन आ रहा है, माय एनालिसिस मेमन आ रहा है, कामरान मेमन भवानी ऑफिशियल, मेमन चैरिटेबल फोरम, स्टे कनेक्टेड, मेमन टीवी, ये वो एक्सपर्जी, ठीक है। मेमन ट्वीट्स नहीं है, ठीक है। अब मेमन स्पीक्स से नाम से एक देखते हैं, चूंकि मैंने अपना चैनल खुद जीरो से बनाना है, ठीक है। मेमन टॉक्स के नाम से देखो आ गया। अब यहाँ पे फिर मैं सर्च फिल्टर्स पे जाता हूँ, यहाँ से फिर हम ऑल की जगह चैनल करते हैं, अप्लाई करते हैं और देखते हैं, देखो आई एम मेमन आ रहा है, ये तरह तमाम जितने भी नाम आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने ये नाम नहीं लेने, ये आपने कोशिश करनी है जो भी नाम लोगों ने लिए हुए हैं उसके ऊपर आपने चैनल नहीं बनाना। तो यहाँ पे मुझे कोई भी मेमन स्पीक के नाम से भी चैनल नहीं मिला, ठीक है। तो हमारे पास दो अच्छे नाम है, एक मेमन ट्वीट्स और एक मेमन स्पीक्स। मुझे जो है थोड़ा सा मेमन स्पीक्स जो है वो थोड़ा सही लग रहा है, तो मैं काम करता हूँ मेमन स्पीक के नाम से एक जीमेल बनाता हूँ। सबसे पहले अपना नाम फर्स्ट नेम में देता हूँ मेमन, सर नेम दे देता हूँ स्पीक्स, ठीक है। का नाम रख रहा हूँ उसी के ऊपर जीमेल बना रहा हूँ। इसको हम रख देते हैं 1 January 2001, ठीक है। जेंडर में मैं मेल कर देता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आप चूज योर जीमेल एड्रेस, तो आप स्पीक्स मेमन एट जी मेल डॉट कॉम करना चाहते हैं, मेमन स्पीक्स 5@gmail.com करना चाहते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही है, मेमन स्पीक्स 5@gmail.com, इसका मतलब ये है कि मेमन स्पीक्स @gmail.com अवेलेबल नहीं होगा। हम चेक कर लेते हैं एक दफा, मेमन स्पीक्स @gmail.com, देखा ये टेकन है। कैसे मुझे पता चला, जो देखो मुझे चाहिए था मेमन स्पीक्स तो वो 5@gmail.com हो गया, ठीक है। मेमन ट्वीट्स करके देखते हैं, सॉरी मुझे थोड़ी तबीयत सही नहीं है, मेमन ट्वीट्स भी अवेलेबल नहीं है। तो अब हम एक काम करेंगे, हम स्पीक्स मेमन @gmail.com कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब पासवर्ड रखने के लिए मैं जो हूँ वो लिख देता हूँ, हमेशा आसान सा ही रखता हूँ शुरू में, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तलहा 2023, ठीक है। ये सबसे आसान नंबर। अच्छा, वो कह रहा है ऐड फोन नंबर, ऐड फोन नंबर में अभी फिल वक्त जो है, या तो चलो हम डाल ही देते हैं, यस आई एम इन।
अच्छा स्पीक्स में मैंने gmail.com मेरा जीमेल आ गया। अच्छा मुझे नंबर जो है वो इस सिमजोंग के ऊपर मैं इसको वेरीफाई करूंगा, ठीक है। ये मैं आपको पूरा ए टू जेड प्रोसेस बता रहा हूँ, कैसे एक चैनल बनता है, कैसे इस चैनल के ऊपर काम होगा और क्या क्या वो चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको मोबाइल के ऊपर बता रहा हूँ। शायद ही किसी ने अभी तक ये मोबाइल भी बताया होगा, तो नए हो चैनल पे लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अच्छा अब वो कह रहा सेव कर दूँ मैं आपका पासवर्ड, जी सेव करते हैं आप पासवर्ड, ठीक है। अब आई गेस हम साइन इन हो गए जी, ये हमारे पास जो है अकाउंट साइन इन हो चुका है। अब आपने बताया क्या करना है, अब आपने अपना यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब खोलने के बाद आपने अपना चैनल पे आना है, स्विच अकाउंट पे जाना है। स्विच अकाउंट करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहां से आप चले जाएंगे मेमन स्पीक्स पे, ठीक है। ये अब आपका नया चैनल आ चुका है, ये इस नए चैनल की प्रोफाइल है, ठीक है। यहां मुझे नहीं पता क्या क्या ट्रेंड हो रहा है, जो ट्रेंड हो रहा है वो आपके सामने मेमन स्पीक जो है हमारा चैनल क्रिएट चैनल वहां पे नजर आ रहा है आपको, ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये एक डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा। हाउ यू विल अपीयर, पिक्चर वो मांग रहा है, नेम मांग रहा है, हैंडल मांग रहा है। अच्छा याद रखना जो आपका हैंडल है ना वो ऐसा ही हो जैसे आपका चैनल नेम है। अब वो कह रहा है दिस हैंडल इज ऑलरेडी टेकन, तो आप एक काम करो मेमन स्पीक्स अगर किसी ने लिया हुआ है तो आप SPACKS या फिर ट्वीट करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। मेमन ट्वीट्स के नाम से हैंडल बन गया हमारा और मेमन स्पीक के नाम से हमारा चैनल है। पिक्चर में जो है कुछ भी आप पिक्चर लगा सकते हो फिल वक्त के लिए, मैं अपनी गैलरी में से कोई भी एक पिक्चर ले लेता हूँ, अभी अपलोड नहीं हो रही है शायद। ये हमारे पास पिक्चर आने लगी है, आ जा। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, ये मैं अभी फिल वर्क के लिए कोई भी पिक्चर ऐसी ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी मुझे पिक्चर पसंद आई थी मैंने अभी रैंडम रख दी है। अच्छा चैनल हैंडल मुझे एक और समझ आया, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं रियल मेमन स्पीक्स, ठीक है। रियल मेमन स्पीक्स मतलब आप ऐसे भी रख सकते हैं तो ये अवेलेबल हो जाएगा, इससे आपकी ऐसी हो जाएगी वो चैनल का नाम और आपका हैंडल, ये दोनों में आपकी सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अब मैं यहां से जैसे ही क्रिएट चैनल करूंगा मेरा चैनल क्रिएट हो गया, ठीक है। नया चैनल क्रिएट हो गया। अब आपको पास जो है देखें बीच में प्लस का आइकन जो आ रहा है यूट्यूब के ऊपर, क्रिएट शॉर्ट अपलोड वीडियो गो लाइव, ठीक है। ये आपका ये आ गया। इसके बाद जब आप यहां से अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका चैनल नया क्रिएट हो गया नए जीमेल के ऊपर। तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें रह गई हैं, अब देखें। अब आप मैंने ये जो एडिट का एक आइकन है इस पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे चैनल सेटिंग्स आ रही है। अब हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रहा है, प्राइवेसी आ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, ये जो पिक्चर है पिक्चर भी हम अभी बनाते हैं। सबसे पहले इसकी हमने जो देखनी है वो है चैनल के टैग। चैनल के टैग अगर यहां से नहीं आ रहे तो हम यूट्यूब स्टूडियो को खोलते हैं यहां से। ये म्यूजिक खोल के हमारे पास यूट्यूब स्टूडियो, यहां से आपने अपनी प्रोफाइल चेंज करनी होगी, ठीक है। यहां से आपने स्विच अकाउंट पे जाना है, स्विच अकाउंट करने के बाद आपने मेमन स्पीक्स पे जाना है। अब ये आपका चैनल आ गया, ठीक है। इस चैनल के ऊपर अब आपने काम करना है सारा। ये आ गई सेटिंग्स, सेटिंग्स परमिशन, करेंसी, करेंसी सबसे पहले आपने कर देनी है यहां से पाकिस्तानी PKR, ठीक है। ये हो गई करेंसी आपकी चेंज। उसके बाद सबसे पहले आपने फिर दूसरी चीज देखनी है, ये यूट्यूब है।
अब आपका जब चैनल तैयार हो गया ना, तो अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा से गूगल क्रोम खोलना है अपना। गूगल क्रोम को खोलने के बाद आप यहाँ से करेंगे डेस्कटॉप साइट और अपने अकाउंट को यहाँ से करेंगे चूज। मेमन स्पीक्स मैंने खोल लिया यहां से, और अकाउंट्स फॉर ओनर ठीक है, ये हमारे पास आ गया अकाउंट। चलिए ये हमने खोल दिया अकाउंट, ये आ गया सिंक गूगल अकाउंट इन्फो सिक्योरिटी पर्सनल इन्फो डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट योर अकाउंट टू स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑफ। इसको हम सबसे पहले करते हैं ऑन, ठीक है, गेट स्टार्टेड। यहाँ से मैं ओके करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। ये मेरा पासवर्ड मांग रहा है फोन का, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब हम कंटिन्यू करते हैं। अभी अपना नंबर मांग रहा है, नंबर में डालता हूँ ये वाला, ठीक है। अभी हमें एक मैसेज आएगा, अच्छा टू स्टेप वेरिफिकेशन इसके ऊपर नहीं हो रही है, तो फोन कॉल करके देखते हैं या फिर यूज अनदर बैकअप ऑप्शन। चलो भाई, ये हमने कोड्स जो है डाउनलोड कर लिए यहाँ पे, ठीक है, टर्न ऑन, बैकअप कोड्स हमारे पास आ गए, ठीक है। ऑथेंटिकेटर ऐप हम बाद में देख लेंगे इसकी। इसके बाद अब हमने ये हमारा अकाउंट, अब पता नहीं आ रहा है या नहीं। अच्छा ओपन इन क्रोम ब्राउजर, अच्छा ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ से हम जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर गए। यहाँ से हम यूट्यूब होम, हमने जो है इस पे ऐप पे नहीं खोलना, हमने इसको ओपन इन न्यू टैब कर देना है। ओपन इन न्यू टैब करने के बाद ये यूट्यूब हमारा ओपन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यूट्यूब ओपन हो गया, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना यहाँ से प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, स्विच अकाउंट करना है, स्विच अकाउंट के बाद मेमन स्पीक्स पे जाना है। अब आपने जो है बेसिक यूट्यूब चैनल की जो SEO सेटिंग है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले अपने सेटिंग्स में जाना है, ये हम चले गए व्यू योर चैनल पे, हम चले गए अपलोड अ वीडियो पे, अच्छा अपलोड अ वीडियो के ऊपर आपने प्रेस करके रखेंगे। जैसे ही आप प्रेस करके रखेंगे तो वो ओपन एंड न्यू टैब मांगेगा, आप ओपन एंड न्यू टैब कर दें। ये आ गए हम ओपन एंड न्यू टैब के ऊपर, ये आपका यूट्यूब स्टूडियो ऐप खुल जाएगी यहाँ पे, ठीक है, कंटिन्यू आ गया। अच्छा अब हम इसको बंद करते हैं अभी फिलहाल के लिए, ये भी हमें नहीं चाहिए। अच्छा अब सबसे पहले आपने देखना है ये जो ऑप्शन है, ये आपका चैनल कस्टमाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने ट्रेलर वीडियो, कोई भी आप जो वीडियो अभी पोस्ट करेंगे वो आपने यहाँ पे यहाँ से वो ट्रेलर ऐड करना है लाजमी। फीचर वीडियो, ये दोनों वीडियोस आपने ऐड करनी है, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं बेसिक इन्फो पे, बेसिक इन्फो पे हमने देख लिया मेमन स्पीक, रियल मेमन स्पीक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज, लैंग्वेज में मैं यहाँ पे हिंदी उर्दू जो भी आपने रखनी है उर्दू ये रही, ठीक है, उर्दू के बाद ट्रांसलेशनल लैंग्वेज हमारे पास हिंदी 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 हिंदी, ठीक है, ये आपने ये रख दी। अब इसके बाद जो है लिंक,
अच्छा याद रखे, आपने सबसे पहले जो लिंक देना है वो अपने इंस्टाग्राम का देना है, ठीक है? ये SEO के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, www.instagram.com जो भी आप करेंगे, ठीक है? ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इंस्टाग्राम सिर्फ, और वहां पे जो है यहाँ पे आएगा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आएगा https://@maimonspeaks, ठीक है? अब ये अगर आपका हो कोई पेज तो भी ठीक है, ना हो तब भी आपने ये चीज करनी लाजमी है, ठीक है? अगर आपका इंस्टाग्राम का पेज नहीं बना हुआ तो आप वो बना लें, नहीं बना हुआ तो कोई मसले वाली बात नहीं, आपने ये लिंक डालनी ही डालनी है। कॉन्टैक्ट इन्फो अभी हमने जो बनाया था maimonspeaks@gmail.com, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद आपने कर देना है यहाँ से, इसको थोड़ा जूम आउट करें, जूम आउट करने के बाद यहाँ से जो आपके पास सेव सेटिंग होगा ये आ गया इंस्टाग्राम पब्लिश, ठीक है? ये आपकी सेटिंग सेव हो गई है। ये तो हमारी हो गई चैनल की सेटिंग। अब चैनल के टैग्स कहाँ से आएंगे? आपने यहाँ से जो है ये रहा सेटिंग्स का, देखो सबसे नीचे दिया हुआ है सेटिंग्स का ऑप्शन, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे। जब आप देखोगे ना, इसको मैं जूम भी इन कर देता हूँ, यहाँ पे देखो ये सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। अब ये आपके पास ना जनरल सेटिंग खुल गई है। सबसे पहले आपने यहाँ से जो है अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी है, हमने पहले ही कर ली थी यूट्यूब स्टूडियो से, ठीक है? कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने इसको पाकिस्तान में करना है, ABCD पाकिस्तान, ठीक है? अब ये आ गया कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स कौन से डालने हैं? देखो अगर तो आपकी कैटेगरी है एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर आप रोजाना आके बात कर रहे हो, जैसे मैं आके बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है? तो अगर आप भी चाहते हो ऐसी बात हो तो यहाँ पे ना कुछ 3-4 कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें एक होता है वीडियो, ठीक है? ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, शेयरिंग, कमेंट, लाइक, ये जो भी कीवर्ड्स हैं मैं कोई बात नहीं छुपाने वाला, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है? ये आपने कीवर्ड्स एज इट इज़ यहाँ पे डालने, ठीक हो गया? जब आप डाल देंगे ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में, एक दो कीवर्ड आपने अपने चैनल से रिलेटेड लाजमी डालना है। जैसे सबसे पहले मेमन, क्योंकि मेरा पहला एक मेमन था, दूसरा है मेमन स्पीक्स, ठीक है? एक ऐसे करते हैं, एक कैपिटल लेटर में करते हैं मेमन स्पीक्स, और एक हम दे देते हैं मेमन स्पेस स्पीक्स, ठीक है? ये 3-4 टैग आपने ऐसे डाल दिए, बाकी के जो भी टैग्स हैं वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं खुद दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? ये करने के बाद आपने सेव करना है, यहाँ से सेव हो गया, दोबारा से आपने जाना है सेटिंग्स खोलनी है, सेटिंग्स खोलने के बाद अपलोड डिफॉल्ट्स पे जाना है। अब जो टैग्स आपने इस्तेमाल किए हैं उन्हीं टैग्स को आपने दोबारा यहाँ पे इस्तेमाल करना है। चाहो तो ऐसे कहीं ना कहीं कॉपी करके रख लो अपने नोटपैड में, ठीक है? मेमन स्पीक्स XYZ जो भी हमने डाले थे, विजिबिलिटी हमने हमेशा इसको नहीं छेड़ना, ठीक है? हमने अपना टाइटल नहीं छेड़ना, डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मैं आपको दूंगा, डिस्क्रिप्शन का भी आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। एडवांस सेटिंग में जाना है, एडवांस सेटिंग में जाने के बाद देखो ये कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी आपने एजुकेशन ही रखनी है। अगर आपके कीवर्ड के टैग्स ये हैं, अगर आपके चैनल टैग्स यही हैं तो आपने कैटेगरी एजुकेशन रखनी है, इसके अलावा कोई और सेलेक्ट नहीं करना। सेलेक्ट करोगे भाई फिर सारी SEO खराब हो जाएगी, फिर आप बोलेंगे जी व्यूज नहीं आ रहे, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, ठीक है? तो ये सारे मसले हैं। अब वीडियो लैंग्वेज आपकी चाहो तो रख दो, नहीं चाहो तो ना भी रखो, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है? यहाँ से आप चले जाओ, सेव कर दो इसको, बस ये आपकी चैनल की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सारा काम मैंने मोबाइल पे किया है, एक काम ऐसा नहीं था जो मैंने विंडोज, मैक या फिर PC सिस्टम, लैपटॉप को इस्तेमाल किया हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सब के लिए इंफॉर्मेटिव थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी, हो सकता है आप लोगों के भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प आउट की होगा, क्या होगा इस वीडियो ने। जो टैग्स मैंने आपको बताए हैं अपने चैनल के लिए, मैं खुद अपना इस चैनल को खुद आपके सामने प्रमोट करूंगा, खुद मैं इसको बढ़ाऊंगा, 0 सब्सक्राइबर से लेके चलेंगे, लेकिन जो बात होगी सर हक सच के साथ
जो चीज़ होगी वो मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा, जो चीज़ होगी वो आपने भी इम्प्लीमेंट करनी है। इंशाल्लाह दोनों मिलके ग्रो करेंगे। मिलता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।